बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं और हम फर्स्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, फर्स्ट न्यूमेरिकल जो आपका है वो है कि सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अ वेक्टर ए हैज़ इट्स टेल एट अ पॉइंट पी इज इक्वल टू -2, -3 एंड इट्स टिप एट क्यू इज इक्वल टू -3 and 9। डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट। स्टूडेंट, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो प्रॉब्लम आपको खुद ही सॉल्व हो जाएगा। कहता है कि एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसका ये ओरिजिन है O इज इक्वल टू 0, 0। ये आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए। कहता है एक वेक्टर है A, उसकी जो हमारे पास टेल है वो P पे है, जो P पॉइंट है वो -2 और -3 के ऊपर है, और जो हमारे पास इसका हेड है वो हमारे पास है 3 और 9 पे। तो कहता है कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान आपने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, जब डिस्टेंस फाइंड करना हो तो आपको पता है कि डिस्टेंस कोई ना कोई स्केलर क्वांटिटी होगी, यानी कोई ना कोई हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा। तो स्टूडेंट देखते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट, जो हमारे पास पॉइंट पी है वो -2 और -3 पे है, तो इट मीन्स कि इसका जो पोजिशन वैक्टर होगा R1 वो हमारे पास होगा -2i। स्टूडेंट, आपको पता है ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे जितना डिस्टेंस कवर होता है वो होता है, और ये हमारे पास जो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस होता है वो होता है, और वाई एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे होता है, और जो एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई होता है। तो स्टूडेंट, अगर हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ आर लिखना हो तो आर हमारे पास स्टूडेंट क्या होता है, आपको मैंने पहले भी बताया था, ए आई यूनिट वेक्टर प्लस बी जे यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का यही फार्मूला होता है स्टूडेंट। तो हमने आर वन जो फाइंड किया वो हमारे पास ए, इसमें ए की वैल्यू क्या आई -2 है, और b की वैल्यू क्या है -3। वन जब हमने निकाला तो वो हमारे पास आया -2i -3j। इसी तरीके से जब स्टूडेंट q का पोजीशन वेक्टर निकाला तो q में a की वैल्यू क्या है 3, और जो हमारे पास b है उसकी वैल्यू है 9। तो स्टूडेंट, ये हमने q और r के पोजीशन वेक्टर्स निकाल लिए। अब स्टूडेंट हमने इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, हमने जब भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, हम फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करते हैं। तो फाइनल पोजीशन हमारे पास क्या है स्टूडेंट, R2 है, और इनिशियल पोजीशन हमारे पास क्या है R1। तो फाइनल माइनस इनिशियल जब करेंगे, R2 - R1 जब हम करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों के दरमियान का जो वेक्टर की लेंथ है वो आ जाएगी। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो वेक्टर इन दोनों के दरमियान आएगा वो आएगा R2 - R1, और R2 हमारे पास है 3i + 9j, जबकि माइनस R1 है -2i - 9j। अब स्टूडेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे हों तो i यूनिट वेक्टर जो होता है वो सिर्फ i यूनिट वेक्टर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, और j यूनिट वेक्टर जो होता है वो सिर्फ j के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो 3i माइनस माइनस ऑफ 2j माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3i माइनस और माइनस 2i, तो जब माइनस माइनस करें हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3i प्लस 2i प्लस 9j माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 3j, तो 3i प्लस 2i हमारे पास 5i आ जाएगा, और 9j प्लस 3j हमारे पास आ जाएगा 12j। अब स्टूडेंट, हमने इनके दरमियान जब डिस्टेंस फाइंड करना हो P और Q के, तो इट मींस हमारे पास इस वेक्टर का हमारे पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड आना चाहिए। तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट वो हमारे पास क्या आएगा, मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, किसी भी वेक्टर का, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है उसको हम लिखते हैं AXi प्लस ए वाई जे, और अगर इसका मैग्नीट्यूड हमने निकालना हो तो हमारे पास स्टूडेंट होता है ए मॉड इज इक्वल टू √ax² + ay² यानी आई यूनिट वेक्टर के साथ जो भी मैग्नीट्यूड हो प्लस उसका स्क्वेयर प्लस जो वाई यूनिट वेक्टर है जे यूनिट वेक्टर के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वेयर। तो इसमें स्टूडेंट एक्स के साथ जो स्क्वेयर जो आपके पास मैग्नीट्यूड है ax वो हमारे पास है 5² प्लस इसी तरीके से जो जे यूनिट वेक्टर के साथ जो आपका है वो है हमारे पास 12² तो 5² + 12² करेंगे 25 + 144 यह आ जाएगा 169। इसी तरीके से स्टूडेंट आप सेकंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। आप जो सेकंड प्रॉब्लम है वो है अ सर्टेन कॉर्नर ऑफ रूम इज सिलेक्टेड एज द ओरिजिन ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कहता है कि एक कोई भी हमारे पास रूम है उसका एक कॉर्नर हमने ओरिजिन ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, और ओरिजिन पे हमारे पास जो एक्स और वाई की वैल्यूज होती हैं वो होती हैं 0, 0। स्टूडेंट आगे कहता है इफ़ एन इंसेक्ट इज सिटिंग ऑन एन एडजेसेंट वॉल एट अ पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 2, 1। कहता है कि सामने एक वॉल के ऊपर एक इंसेक्ट बैठा हुआ है हमारे पास,
इस पोजीशन पे, और इसकी जो पोजीशन है हमारे पास वो एक्स पे 2 है और वाई पे इसकी वैल्यू 1 है, यानी 2, 1 की पोजीशन पे आपके पास एक इंसेक्ट बैठा हुआ है। तो ये कहता है कि इसके जो डिस्टेंस है आपका ओरिजिन से वो फाइंड करें। तो इस फिगर में देखें स्टूडेंट, लेट्स सपोज इंसेक्ट यहाँ पे कहीं बैठा हुआ है और ओरिजिन हमारे पास ये है 0, 0 और पॉइंट पी पे हमारे पास क्या है इंसेक्ट 2, 1 पे। तो स्टूडेंट हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैसे ही हमारे पास फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे, फाइनल पोजीशन हमारे पास क्या है 2i, क्योंकि ये हमारे पास a है तो a के साथ i यूनिट वेक्टर आता है, और कम में हमारे पास जो होता है वो b होता है तो b हमारे पास प्लस 1j, तो ये हमारे पास j यूनिट आएगा, ये यूनिट वेक्टर आएगा। तो हमारे पास जो आर है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन जब हम करेंगे तो हमारे पास होगा 2i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर, ये पॉइंट माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है ओरिजिन है, ओरिजिन और इसके दरमियान करना है, तो ओरिजिन हमारे पास है 0i प्लस 0j। तो जब हमारे पास इसको हम सॉल्व करेंगे तो आर का जो वैक्टर आएगा वो आएगा 2i प्लस जे। अब स्टूडेंट इसका जब मैग्नीट्यूड निकालना हो तो फिर हम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने ये केस किया था कि आर का मैग्नीट्यूड हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर हमारे पास वो होता है जो आई यूनिट वेक्टर के साथ वैल्यू होती है, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास है 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास जो जे यूनिट वेक्टर के साथ होता है वो होता है, और वो इस केस में हमारे पास है 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा अंडर रूट 5 और जो कि हमारे पास आ जाएगा 2.25। यहाँ तक स्टूडेंट आपके पहले दो न्यूमेरिकल्स हो गए। स्टूडेंट नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स हैं उनके मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा, पूरा उनको मैं प्रॉपर सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं पूरा सॉल्व करता हूं तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं, इसलिए मैं वो आपको सिर्फ सॉल्व करना सिखा दूंगा ताकि आप बाकी खुद से सॉल्व कर लें। तो स्टूडेंट जो आपका प्रॉब्लम नंबर 3 है उसकी तरफ चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2.3। स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 2.3 में एक वेक्टर गिवन है, वेक्टर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए वेक्टर गिवन है 4i प्लस 3j, और कहता है व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ऑफ द वेक्टर ए, यानी ए का आपने क्या फाइंड करना है यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इसका सलूशन मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट जो यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है मैंने आपको सिखाया था यूनिट वेक्टर वाले टॉपिक के अंदर कि हमारे पास वो होता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट ए वेक्टर हमारे पास ये है तो इसका जब हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो हमारे पास क्या आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैसी, और एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या होता है जो आई यूनिट वेक्टर के साथ वैल्यू होती है, और वाई स्क्वायर हमारे पास क्या होता है जो जे यूनिट वैल्यू के साथ वैल्यू होती है। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास इस केस में क्या है 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है जो जे यूनिट वेक्टर के साथ वैल्यू है वो हमारे पास है 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 25, और ए का मैग्नीट्यूड जो है वो आपके पास अंडर रूट 25 जो होता है वो किसकी इक्वल होता है 5 की। अब स्टूडेंट ये भी आ गया और ये ऑलरेडी हमें गिवन था, तो ए यूनिट वेक्टर अगर आपने फाइंड करना हो तो इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करें तो ए यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा 4i प्लस 3j, ये आपके पास वेक्टर ए की वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाय ए के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपने फाइंड कर ली 5, तो ये आपके पास ए यूनिट वेक्टर का आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया आपके पास, बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2.4। तो क्वेश्चन 2.4 जो है स्टूडेंट उसमें आपको दो पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, इसका जो गिवन डेटा है उसमें आपको दो पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, एक आर वन है, आर वन आपके पास क्या है 3i प्लस 7j, और आर टू है एक वो आपके पास है माइनस टू आई प्लस 3j यूनिट वेक्टर। अब स्टूडेंट आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर टू माइनस आर वन एंड इट्स ओरिएंटेशन। आर टू माइनस आर वन पहले करना है, उसका क्या निकालना है हमने मैग्नीट्यूड निकालना है, और फिर इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है यानी थीटा फाइंड करना है। तो इसके सोल्यूशन देख लेते हैं स्टूडेंट, इसका जो सोल्यूशन है स्टूडेंट पहले सिंपल हम आर निकालते हैं जो कि है हमारे पास आर टू माइनस आर वन, सिंपल आर टू माइनस आर वन निकाल लिया जो वेक्टर फॉर्म में, तो हमारे पास क्या है आर टू की वैल्यू क्या है 3i प्लस 7j माइनस आर वन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट हमारे पास आर वन की वैल्यू है, तो आर टू की वैल्यू है हमारे पास स्टूडेंट माइनस टू आई प्लस 3j, ये हमारे पास स्टूडेंट आर वन की वैल्यू है, आर टू की वैल्यू है ये माइनस 3i प्लस 7j, आपके पास ये किस चीज़ की वैल्यू आ गई आर
वन की वैल्यू आ गई। अब आर हमारे पास क्या आ जाएगा, आर हमारे पास आएगा माइनस टू आई माइनस थ्री आई, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस फाइव आई यूनिट वेक्टर प्लस थ्री जे प्लस थ्री जे प्लस और माइनस सेवन जे, तो ये हमारे पास माइनस आ जाएगा माइनस फोर जे। कैसे स्टूडेंट, माइनस सेवन जे प्लस फोर प्लस थ्री जे हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आएगा, प्लस माइनस फोर जे की इक्वल। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आर यूनिट वैक्टर यानी आर टू माइनस आर वन की इक्वल जो होता है। तो हमारे पास अब हमने क्या फाइंड करना है, इस आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है या आर टू माइनस आर वन का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो ये हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकाल लें तो वो हमारे पास आएगा स्टूडेंट, हमें पता है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स हमारे पास वो होता है जो आपके पास आई यूनिट वेक्टर के साथ होता है और वाई वो होता है जो जे यूनिट वेक्टर के साथ होता है। तो स्टूडेंट एक्स क्या हुआ इस केस में, माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस जे क्या हुआ स्टूडेंट इसमें, माइनस फोर का स्क्वायर। तो फाइव स्क्वायर 25 आ गया, माइनस का स्क्वायर लेंगे प्लस हो जाएगा, इस तरीके से इसका माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 16, तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 41 जो कि आपके पास आ जाएगा तकरीबन 6.4। अब स्टूडेंट हमने क्या फाइंड करनी है, दूसरी चीज़, एक चीज़ तो हमने फाइंड कर लिया, अब दूसरी चीज़ थीटा या जिसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन फाइंड करनी है। तो ओरिएंटेशन के लिए स्टूडेंट मैंने आपको फार्मूला बताया था कि फाई होता है हमारे पास, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई डिवाइड बाय एक्स। तो स्टूडेंट इस केस में आपके पास वाई क्या है 4 और एक्स क्या है आपके पास 5, तो सिंपल आप इसके अंदर 4 और 5 पुट करेंगे स्टूडेंट, साइंस को इधर हम इग्नोर करेंगे, जो नेगेटिव साइंस है उनको इग्नोर करेंगे और उनको हम बाद में इनकॉर्पोरेट करेंगे कि वो हमारे पास कैसे उसको हमने यूटिलाइज करना है। तो सिंपल 4 डिवाइड बाय 5 करेंगे आप तो ये आएगा टेन इनवर्स 4 डिवाइड बाय 5 जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.8, और टेन इनवर्स 0.8 जो होता है कैलकुलेटर पे स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 38.6 डिग्री। अब स्टूडेंट आप देखें, मैंने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम सिखाए थे जिसके अंदर आपके पास क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये होते थे स्टूडेंट हमारे पास क्वाड्रेंट। फिर मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट हो तो फाई आपके पास थीटा की इक्वल आ जाता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट मैंने आपको बताया था इस साइड पर आपके पास एक्स नेगेटिव होगा और ऊपर वाई पॉजिटिव होगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स नेगेटिव था और वाई पॉजिटिव था, और इस केस में मैंने आपको बताया था कि आपका जो थीटा होता है वो इक्वल होता है 180 माइनस फाइव की। ठीक हो गया स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं स्टूडेंट, जो थर्ड क्वाड्रेंट था उसके अंदर हमारे पास क्या है, इधर देखें आपके पास एक्स की वैल्यूज भी नेगेटिव हैं, वाई की भी नेगेटिव हैं, यानी फॉर एग्जांपल ये पॉइंट हम लेते हैं तो इस पे आपके पास एक्स की नेगेटिव वैल्यू होंगी, वाई की भी नेगेटिव होंगी, तो आपके पास इसमें क्या है एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, और इस केस में आपके पास जो थीटा होता था वो होता था थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस 5। स्टूडेंट इस तरीके से मैंने फोर्थ का बताया था, अगर आपने वो देखना हो तो आप जो आपका टॉपिक नंबर है स्टूडेंट, लेट मी चेक इट कि आपका कौन से टॉपिक में ये मैंने आपको कवर कराया था, जी स्टूडेंट जो आपका टॉपिक 2.2 था उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी आपको, तो आपको अगर ये चीज़ें अगर आपने देखनी हो तो टॉपिक 2.2 देख लें। तो स्टूडेंट आप देखें एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, इधर हमारे पास आंसर क्या है स्टूडेंट, एक्स भी नेगेटिव था वाई भी नेगेटिव था, तो ये हमारे पास थीटा के जो आपके पास वेक्टर है ये किस क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, थर्ड में, तो थर्ड में स्टूडेंट जो आपके पास थीटा होता है वो होता है 180 डिग्री प्लस 5, तो 5 आपके पास क्या है स्टूडेंट 38.6, तो 180 प्लस 38.6 आप करेंगे तो ये आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा 218.6 या 219 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली, तो ये आपके पास स्टूडेंट क्या आ गया इसका आंसर 2.4 का। अब स्टूडेंट आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है 2.5। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2.5 में कहा गया है कि दो वेक्टर्स हैं ए और बी, एक ए वेक्टर है दूसरा बी वेक्टर है। स्टूडेंट कहता है कि अगर ए और बी को ऐड करें, ए प्लस बी अगर इनका सम करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 6i प्लस 7j,
और स्टूडेंट कहता है कि अगर बी को ए में से सब्ट्रैक्ट करें, यानी ए माइनस बी जो है वो हमारे पास आता है माइनस फोर आई प्लस सेवन जे। अब क्वेश्चन में वो स्टूडेंट कहता है कि ए का आपने क्या निकालना है, ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, ए का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट मैग्नीट्यूड ऑफ ए तभी हमें फाइंड हो सकता है जब हमें ए वेक्टर पता हो। तो ए वेक्टर स्टूडेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, स्टूडेंट हमें जो इक्वेशंस गिवन हैं वो है ए प्लस बी इज इक्वल टू सिक्स आई प्लस सेवन जे। इसी चीज जो सेकंड इक्वेशन गिवन है वो हमें गिवन है ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस फोर आई यूनिट वेक्टर प्लस सेवन जे यूनिट वेक्टर, ये हमें स्टूडेंट गिवन है। सॉरी स्टूडेंट, ए प्लस बी हमारे पास सेवन जे नहीं है, वन जे है, ए प्लस बी हमारे पास वन जे है और ए माइनस बी जो है वो उसमें सेवन जे। तो स्टूडेंट ये हमें इक्वेशन गिवन है, स्टूडेंट अगर इन दोनों इक्वेशन को हम सिंपली ऐड कर दें, ये वन है और ये टू है, तो एडिंग वन एंड टू अगर करें हम, स्टूडेंट एडिंग वन एंड टू अगर हम करें तो हमारे पास क्या है, इन दोनों को ऐड करें तो बी और बी, बी प्लस बी है और माइनस बी है, ये आप इसमें कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, यहाँ पर ए प्लस ए हमारे पास क्या आ जाएगा टू ए, और इधर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा फोर आई और फोर सिक्स आई माइनस फोर आई, तो ये हमारे पास आ जाएगा टू आई प्लस सेवन आई प्लस एट आई सेवन आई जे प्लस एट जे, तो हमारे पास आ जाएगा वन जे, तो ये हमारे पास आ जाएगा एट जे। अब स्टूडेंट इनमें से अगर टू कॉमन लें, टू ए इसमें से अगर स्टूडेंट टू कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा आई प्लस फोर जे। अब स्टूडेंट इस टू को अगर दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, ये टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड होगा, तो टू टू से कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा स्टूडेंट हमारे पास ए इज इक्वल टू आई प्लस फोर जे। अब स्टूडेंट हमारे पास ए वेक्टर आ गया है, लेकिन हमने ए वेक्टर नहीं निकालना बल्कि हमने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास क्या होगा, ए इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, जो आई के साथ जो चीज़ होती है, तो आई के साथ हमारे पास क्या है वन, और वाई के साथ जो चीज, वाई क्या होता है हमारे पास, जो जे के साथ चीज़ होती है, तो वाई के साथ जे के साथ हमारे पास क्या है फोर। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए इज इक्वल टू अंडर रूट वन का स्क्वेयर प्लस जे के साथ क्या है फोर, तो फोर का स्क्वेयर, तो ए इज इक्वल टू वन प्लस सिक्सटीन, यानी कि ए इज इक्वल टू आपके पास आएगा अंडर रूट सेवनटीन। तो ये आपके पास तकरीबन आ जाएगा स्टूडेंट, ये आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा 4.1 यूनिट्स। आप मतलब आप जो भी यूनिट्स यूज कर रहे हैं उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4.1। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 2.5 भी खत्म हो गया स्टूडेंट, आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट 2.6। 2.6 में जो स्टूडेंट चीजें गिवन है वो दो वेक्टर्स गिवन है ए एंड बी। ए गिवन है आपको 2i प्लस 3j, और एक और वेक्टर गिवन है बी जो क्या है हमारे पास 3i माइनस 4j। इस क्वेश्चन के स्टूडेंट दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट के अंदर वो कहता है कि आपने एक वेक्टर c फाइंड करना है, एक वेक्टर c फाइंड करना है जो कि आपके पास किस चीज की इक्वल है, ए प्लस बी की इक्वल है, एक वेक्टर सी है जो कि ए प्लस बी की इक्वल है वो फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड और क्या फाइंड करनी है दूसरी चीज डायरेक्शन, ये दोनों चीजें इसकी फाइंड करनी है। और जो दूसरा इसका पार्ट है उसमें वो कहता है कि एक वैक्टर डी फाइंड करना है, और वो डी वैक्टर क्या है आपके पास 3a माइनस 2b के इक्वल। तो स्टूडेंट जो सी है ये तो बहुत आसान से हम फाइंड कर लेंगे कि सी आपके पास क्या है वेक्टर ए प्लस बी, तो ए आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट, ए है आपके पास टू आई प्लस थ्री जे। अब ए प्लस बी अगर आपने करना है स्टूडेंट्स, तो सी आपके पास जो वेक्टर है वो आएगा टू आई प्लस थ्री जे प्लस बी क्या है आपके पास थ्री आई प्लस माइनस फोर जे। अब स्टूडेंट आपको पता है कि आई यूनिट वेक्टर के साथ ऐड होगा और जे यूनिट वेक्टर के साथ ऐड होगा, तो टू आई प्लस थ्री आई आपके पास क्या आ जाएगा
फाइव आई, और इसी तरीके से थ्री जे माइनस फोर जे, थ्री जे माइनस फोर जे, तो ये आपके पास आएगा स्टूडेंट्स माइनस वन जे की इक्वल। तो आपके पास माइनस वन जे, ये आपके पास क्या आ जाएगा सी। अब स्टूडेंट आपने सी की डायरेक्शन भी फाइंड करनी है और इस सी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सी के मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपको पता लग जाना चाहिए कि एक्स इसमें क्या होता है और वाई क्या होता है। तो एक्स स्टूडेंट आपके पास होता है फाइव जो आई यूनिट वेक्टर के साथ होता है, और वाई क्या होता है जो जे यूनिट वेक्टर के साथ होता है। तो ये आपके पास वाई आ गया, वाई आपके पास क्या आएगा प्लस माइनस वन स्क्वायर। तो ये आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा 25 प्लस वन, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 26 जो कि आपके पास होता है स्टूडेंट तो ऑलमोस्ट 5.1 यूनिट्स। अब स्टूडेंट एसी का हमने क्या फाइंड करना है, एंगल। तो एंगल के लिए स्टूडेंट मैंने आपको फार्मूला बताया था फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्या होता है हमारे पास वाई डिवाइड बाई एक्स। तो फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स। अब स्टूडेंट वाई और एक्स दोनों को हम साइंस को छोड़ेंगे, साइंस को इग्नोर करेंगे, सिर्फ इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो वैल्यूज क्या पुट करेंगे, वाई की वैल्यू वन है और एक्स की वैल्यू फाइव है। तो ये हमें देगा स्टूडेंट फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन बाई फाइव जो है ये हमें देगा फाइव इज इक्वल टू 11 डिग्री। अब स्टूडेंट देखें आप, अब आपके पास वाई की वैल्यू क्या थी नेगेटिव और एक्स की वैल्यू थी पॉजिटिव। तो ऐसा स्टूडेंट किस क्वाड्रेंट के अंदर होता है आपके पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर स्टूडेंट दोनों एक्स भी पॉजिटिव होता है वाई भी पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, और जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स भी नेगेटिव होता है वाई भी नेगेटिव होता है, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स आपके पास क्या होता है पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। अब स्टूडेंट हमारे पास केस कौन सा है, केस हमारे पास ये है कि वाई जो आपके पास आया वो नेगेटिव है और एक्स पॉजिटिव है, एक्स आपके पास क्या है पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, यानी कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर जो सी है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लायक आ रहा है। तो स्टूडेंट जब आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो, जब भी आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो तो उसके अंदर आपको पता है कि थीटा किस चीज़ की इक्वल होता है, उसके अंदर थीटा आपके पास होता है 360 डिग्री माइनस फाइव। तो थीटा जब हमने फाइंड किया 360 डिग्री माइनस फाइव क्या आया 11, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 349 डिग्रीज। तो ये आपके पास सी आ गया। इसी तरीके से जो डी है स्टूडेंट, डी आपके पास क्या है, डी इज इक्वल टू 3a माइनस 2b। तो आपने पहले 3a फाइंड करना है, 3a स्टूडेंट क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाई a 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 6i प्लस 9j। इसी तरीके से जो आपके पास b है वो क्या है 2b, तो 2 मल्टीप्लाई बाई बी, बी क्या है 3i माइनस 4j, तो आपके पास 2 इंटू 3 6i माइनस 4j क्या आ जाएगा माइनस 8j। तो आपने आप फाइंड क्या करना है d, और d आपके पास किस चीज़ की इक्वल है 3a माइनस 2b। अब स्टूडेंट 3a आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया जो कि है 6i प्लस 9j, और 2b जो है आपके पास वो है 6i माइनस 8j। अब स्टूडेंट इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6i माइनस 6i ये हमारे पास 0i आ जाएगा, और 9i माइनस माइनस 8j तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 8 आपके पास आ जाएगा 17j यूनिट वेक्टर। तो इसकी जब स्टूडेंट हम वैल्यू फाइंड करेंगे d का, जब हम पहले मैग्नीट्यूड अगर फाइंड कर लें तो मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है इस केस में 0 प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास क्या है 17 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17 यूनिट्स डी का मैग्नीट्यूड। अब डी का अगर एंगल फाइंड करना हो ओरिएंटेशन, तो फाई इज इक्वल टू 10 वर्स वाई बाय एक्स। तो 10 वर्स वाई बाय एक्स, वाई हमारे पास क्या है 17, 10 वर्स वाई 17 और एक्स क्या है 0। किसी भी चीज़ को स्टूडेंट 0 से डिवाइड करें तो वो हमारे पास हो जाती है इन्फिनिटी। 10 वर्स इन्फिनिटी, और 10 वर्स इन्फिनिटी जो होती है स्टूडेंट वो आपके पास होती है 90 डिग्री के ऊपर, उसमें हमारे पास जो एंगल होता है वो हमारे पास थीटा होता है 90 डिग्री।
इस केस के अंदर आप चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट, जब आप 10 90 पुट करते हैं तो आपके पास आंसर इन्फिनिटी आता है, तो वो आपके पास होता है 90 डिग्री के ऊपर। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, 6 भी। अब स्टूडेंट फौरन से क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं इस वीडियो में, और बाकी क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम देखेंगे। तो क्वेश्चन जो स्टूडेंट जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके अंदर जो गिवन चीज़ें हैं वो ये है, एक वेक्टर ए है जो कि 5i प्लस जे यूनिट वेक्टर की इक्वल है, और जो वेक्टर बी है वो हमारे पास इक्वल है 2i प्लस 4j की इक्वल। अब स्टूडेंट आपने करना क्या है, इसके अंदर आपने फाइंड करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। आपने एंगल किस में फाइंड करना है, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी जो दो वेक्टर्स हैं उन दोनों के दरमियान आपने क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट, आपको पता है जो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन आप स्टूडेंट आपको पता है कि ए डॉट बी जो होता है वो आपके पास किस चीज़ की इक्वल होता है, ए बी कॉज ऑफ थीटा। ये ए और बी आपके पास क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, और ये थीटा क्या होता है आपके पास, ये थीटा वो एंगल होता है बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो स्टूडेंट जब आपने ये थीटा अगर फाइंड कर लिया तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो स्टूडेंट ए डॉट बी हम पहले फाइंड कर लेते हैं कि ए, तो इस फार्मूले को स्टूडेंट रीअरेंज कर लेते हैं पहले, कि हमारे पास कॉस थीटा किस चीज़ की इक्वल है, कॉस थीटा हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है स्टूडेंट, ए डॉट बी ओवर ए बी का मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट पहले ए का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, ए का मैग्नीट्यूड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स क्या है इस ए के केस में 5 का स्क्वायर प्लस वाई क्या है 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 26 जो कि आपके पास होता है तकरीबन स्टूडेंट 5.09 या 5.1, ये आपके पास आ गया। इसी तरीके से बी का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस केस में x क्या है आपके पास, आई यूनिट वेक्टर के साथ जो टर्म होती है वो x होता है, 2 प्लस y यूनिट वेक्टर के साथ जो होती है वो आपके पास क्या होता है, j यूनिट वेक्टर के साथ जो होती है वो आपके पास क्या होता है, y। तो आपके पास ये आएगा 4 और 16, ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 20 जो कि इक्वल होता है स्टूडेंट 4.47 के। अब स्टूडेंट आपके पास a का मैग्नीट्यूड भी आ गया, b का मैग्नीट्यूड भी आ गया। अब स्टूडेंट आप फाइंड करते हैं a डॉट b, तो a डॉट b आपके पास स्टूडेंट a क्या है 5i प्लस जे डॉट प्रोडक्ट इंटू 2i प्लस 4j। अब स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है कि आपके पास जो i यूनिट वेक्टर है वो सिर्फ i यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है, और y यूनिट j यूनिट वेक्टर जो है वो j यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो स्टूडेंट इस केस में आपके पास क्या आएगा, इस केस में आपके पास आएगा 5 into 2 प्लस 4 into 1। स्टूडेंट ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से हमने ए डॉट बी करके देखा था, कि हमारे पास ए अगर ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर हो, ए वाई जे यूनिट वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना हो आपने बी एक्स आई यूनिट वेक्टर के साथ प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर के साथ, तो ये मैंने आपको करके दिखाया था, ये हमारे पास आता था ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की इस डॉट प्रोडक्ट की फिफ्थ प्रॉपर्टी के अंदर। अगर आपने वो नहीं टॉपिक किया तो आप वो टॉपिक देख सकते हैं 2.5 है आई थिंक, जिसमें डॉट प्रोडक्ट की आपको मैंने प्रॉपर्टीज बताई। तो ये आपके पास क्या है स्टूडेंट, 10 प्लस 4 इजिकल टू 14। अब स्टूडेंट ये सिंपल वैल्यूज इसके अंदर हमने पुट करनी है, तो ये आपके पास इक्वेशन 1 है। पुटिंग इन इक्वेशन 1 अगर करें हम, तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या है बनेगा 14 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो वो बनेगा आपके पास, ये आपके पास 5.09 इंटू 4.47। तो ये ओवरऑल आपके पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.165। तो इसमें से आपने थीटा निकालना है, तो कॉस इनवर्स कर लेंगे दूसरी साइड पे, कॉस इनवर्स 0.165, तो ये स्टूडेंट आपके पास आएगा तकरीबन थीटा इज इक्वल टू 52 डिग्री, यानी ए और बी के दरमियान जो एंगल हमारे पास बन रहा है
वो तकरीबन बन रहा है 52 डिग्रीज। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपके पहले सात कुछ न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हुई हैं, अगली वीडियो में हम बाकी न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अगर आपको इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।